नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूँ आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। बड़ी अपडेट सामने आ रही है राजस्थान यूनिवर्सिटी से। जी हाँ, आप इंतजार कर रहे थे एग्जाम टाइम टेबल का, लेकिन यहाँ पर राजस्थान यूनिवर्सिटी ने टाइम टेबल को निकाल कर एक बड़ी अपडेट दी है एग्जाम फोरम की डेट को लेकर। यहाँ पर एग्जाम फोरम की डेट एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। कौन कौन सी क्लासेस की यहाँ पर एग्जाम फोरम की डेट बढ़ी है, इसके बारे में हम बात करेंगे, ध्यान रखिए। और टाइम टेबल कब तक आएगा, इसके बारे में बात करेंगे, ध्यान रखिए। सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ एग्जाम फोरम से रिलेटेड नोटिस, स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है नोटिफिकेशन। बात करते हैं इसके बारे में। देखो, एग्जाम फोरम की डेट कौन कौन सी क्लासेस की बढ़ी है, फिर उसके बाद में बात करेंगे टाइम टेबल को लेकर कब तक आ सकता है। एग्जाम डेट जो हम सोच रहे थे कि 15 मार्च के आसपास होंगी, डिले होंगी क्या, क्योंकि यहाँ पे डेट बढ़ रही है, ध्यान रखिए। तो समय मिलेगा, ध्यान रखिए। इन सभी चीजों पे हम बात करने वाले हैं पूरा डिटेल से, ध्यान रखिए। बात करते हैं यहाँ पर एग्जाम फोरम की जो डेट्स हैं, किस हिसाब से कौन सी क्लासेस के लिए है। सबसे पहले बात करूं, यहाँ पर डेट बढ़ी है भैया, ध्यान रखिए, फर्स्ट ईयर के नॉन कॉलेज विद्यार्थियों की, ध्यान रखिए। फोरम डेट बढ़ा दी गई है, ध्यान रखिए, फर्स्ट ईयर के नॉन कॉलेज विद्यार्थियों की फोरम डेट बढ़ा दी गई है। एक क्लास तो यह होने वाली है जिनकी डेट बढ़ी है, ध्यान रखिए, पहला सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, ध्यान रखिए, दोनों का मिला के इनका फोरम बढ़ा जा रहा है। इनकी डेट यहाँ पर डबल फीस के साथ में बढ़ाई गई है, ध्यान रखिए। और फोरम आपके 5 मार्च से 6 मार्च तक, यानी एक दो दिन आपके फोरम भरे जाने वाले हैं। और आगे बाकी क्लासेस कौन कौन सी होने वाली है यहाँ पर, ध्यान रखिए। यहाँ पर फर्स्ट ईयर के एक्स स्टूडेंट, सेकंड ईयर के विद्यार्थी, चाहे रेगुलर हो नॉन कॉलेज हो, एक्स स्टूडेंट हो, किसी ने फॉरम नहीं भरा हो तो भैया भर देना, चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम, सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, ध्यान रखिए, रेगुलर नॉन कॉलेज एक्स सभी की डेट बढ़ा दी है। ठीक, बात करूँ यहाँ पर एडिशनल के विद्यार्थी हैं, उनकी भी डेट बढ़ी है, ध्यान रखिए, बीए बीएड बीएससी बीएड, ध्यान रखिए, बीएड के विद्यार्थी, उनकी भी फॉरम डेट बढ़ी है, ध्यान रखिए। यहाँ पे पीजी डिप्लोमा हुआ, सर्टिफिकेट हुआ, सारी डेट्स यहाँ पर बढ़ा दी गई हैं। एलएलबी से रिलेटेड भी डेट बढ़ा दी गई है, दो दिन का मौका आपको एग्जाम फॉरम से रिलेटेड यहाँ पे दिया गया है, ध्यान रखिए। 5 मार्च को फॉरम फिर से ओपन होंगे, 6 मार्च इसकी अंतिम तिथि होने वाली है, और फीस रहेगी डबल फीस, ध्यान रखिए, जो भी फीस आपकी थी उसकी डबल रहने वाली है, ध्यान रखिए। तो ये अपडेट है एग्जाम फॉरम से रिलेटेड। अब बात करते हैं यहाँ पर टाइम टेबल को लेकर। देखो, मैं थोड़ा सा बाहर आया हुआ था आज, इसलिए नोटिफिकेशन इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है, स्टूडियो अवेलेबल नहीं है, ध्यान रखिए। बात करते हैं टाइम टेबल को लेकर, इंतजार कर रहे थे, पहले अपडेट आई थी कि भी मार्च के फर्स्ट वीक में आपको टाइम टेबल देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा अब नहीं होने वाला है, ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें डिले होने वाला है। अब 5 से 6 मार्च तक आपके फॉरम भरे जाएंगे, थोड़ा समय वहां पर भी लगेगा। दूसरा बात करते हैं, देखो यहाँ पे क्या होने वाला है कि अब 6 तारीख के आसपास या उसके बाद में टाइम टेबल आपको देखने को मिल सकता है। पहले आया तो मैं बता दूंगा, लेकिन लगता नहीं है, क्योंकि फॉरम के डेट्स के बाद में ही आपको यहाँ पे मिलेगा मौका, ध्यान रखे टाइम टेबल को लेकर। और बात करें यहाँ पर एग्जाम डेट्स की, तो जब टाइम टेबल आएगा और एग्जाम डेट्स रहने वाली है, उसमें फिर से 15 से 20 दिन का आपको समय मिलेगा। मैक्सिमम मान के चलिए 15 दिन आपको मिलने वाले, मिनिमम 10 दिन मिलेंगे टाइम टेबल और एग्जाम डेट्स के बीच में। तो ध्यान रखे 6 तारीख का भी हम सोचते हैं, तो ध्यान के 15 दिन मान के चलते हैं, तो 20 मार्च होती है। तो 20 मार्च से पहले संभावना नहीं लग रही है, ध्यान रखे, फिर भी कहें 15 मार्च के बाद में ये एग्जाम होंगी, पहले कोई भी डेट्स नहीं आने वाली, ध्यान रखे। तो ये अपडेट्स है आपके लिए एग्जाम फोरम से रिलेटेड, ध्यान रखे। अगर 6 मार्च तक भी टाइम टेबल आता है तो भी आपको 10 से 15 दिन आपको फिर भी देखने को मिलेंगे तैयारी के लिए, ध्यान रखे, आपके एग्जाम डेट्स शुरू होने के लिए। तो अपडेट्स थी यहाँ पर राजस्थान यूनिवर्सिटी की तरफ से। काफी विद्यार्थी लगातार सवाल कर रहे हैं एग्जाम डेट्स को लेकर, कब होंगी, मार्च में होंगी या नहीं होंगी। तो ध्यान रखे यूजी की एग्जाम मार्च में ही होंगी, ध्यान रखे, चाहे थोड़ा सा समय लग जाए, 15 का 20 हो जाए, ध्यान रखे 20 का 25 हो जाए, लेकिन मार्च में ही होंगी एग्जाम, ध्यान रखे। बात करें पीजी की अप्रैल में एग्जाम होंगी, बाद में जैसे अपडेट आएगी तब आपको बता दूंगा। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू। और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ जाएंगे, सारी डिटेल्स वहां पर आपको लगातार मिलती रहेंगी। थैंक यू।